नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 29th of August 2023 एंड करंट अफेयर्स एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला हम लोग आज का यहां पे न्यूज देखेंगे। यहां पे हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2023 रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट रिवील करता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स के रिलेटेड और ओवरऑल एवियन स्पीशीज जो कि इंडिया में पाए जाते हैं उनके रिलेटेड, राइट। सो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो क्या काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग है। दैट इज यहाँ पे बोला गया देयर इज वाइड स्प्रेड डिक्लाइन, ध्यान से देखना, वाइड स्प्रेड डिक्लाइन इन मोस्ट बर्ड स्पीशीज। ज्यादातर बर्ड स्पीशीज में जो हमको डिक्लाइन देखने को मिला है विथ सम करंटली डिक्लाइनिंग एंड अदर्स प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन इन द फ्यूचर। मतलब कुछ कुछ तो ऐसे बर्ड स्पीशीज हैं जो कि हमारे देश में है जो कि डिक्लाइन कर रहे हैं और कुछ कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है आने वाले फ्यूचर में भी वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन करने वाला है, राइट। तो की फाइंडिंग्स क्या क्या है? रैप्टर स्पीशीज, वैसे जो स्पीशीज जो क्या इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर एक रीजन से दूसरे रीजन मूव करते हैं, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स ले लो, डक्स ले लो, ये इन्होंने एक्सपीरियंस किया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस, बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हमें फेस करने को मिल रहा है। बट कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज हैं बोला गया, सेवरल स्पीशीज जैसे इंडियन पीफॉल, राइट, रॉक पीजन, एशियन कोयल, हाउस क्रो, ये लेकिन कहीं ना कहीं थ्राइव कर रहा है और इंक्रीज हो रहा है इन देयर पॉपुलेशन एज वेल एज इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कुछ कुछ बर्ड स्पीशीज है जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, कुछ कुछ इजिली थ्राइव और उनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज भी हो रहा है, राइट। असेसमेंट बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम अराउंड 30,000 बर्ड वॉचेस। नाउ बर्ड्स के बारे में डेटा कहां से मिलेगा? क्या कोई ऐसा मशीन हुआ है दैट हर बर्ड के ऊपर लगा दो आप? पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इसके लिए बेसिकली बर्ड वॉचर्स थ्रू आउट द इंडिया अराउंड 30,000, जी हाँ 30,000 बर्ड वॉचर्स ने अलग अलग स्पेसिफिक रीजन्स में वेरियस वॉच किए, जिससे पाया गया दैट हाँ कुछ कुछ जो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उसमें कैसे हमें चेंजेस देखने को मिलता है, राइट। स्पेशली बर्ड स्पीशीज विथ विच इनहैबिट स्पेशल स्पेसिफिक हैबिटेट। जैसे देखो कुछ कुछ ऐसे बर्ड स्पीशीज होते हैं ना जो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप वेटलैंड देखोगे, जैसे अगर आप रेन फॉरेस्ट देखोगे, राइट, तो कुछ कुछ वैसे बर्ड स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स में ही रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे बर्ड स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट रीजन्स में रहते हैं, तो वहां पर लेकिन हमको रैपिडली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अच्छा बताओ तो क्यों डिक्लाइन होगा? तो ऑब्वियस सा बात है, जो नंबर्स ऑफ वेटलैंड्स है वो शायद घट रहे हैं, या फिर वेटलैंड्स को जो है वो पानी निकाल के उसको यू नो नॉर्मलाइज, आई मीन उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण बहुत समय वेटलैंड्स को बर्बाद कर दिया जाता है, राइट। तो ये हम लोग बोल सकते हैं दैट हाँ ये एक रीजन है जिसके कारण जो है अल्टीमेटली हमें उन पॉपुलेशन को यू नो डिक्लाइन होने को दिख रहा है। बट ये सब हर एक स्पीशीज के साथ नहीं हो रहा है, कुछ कुछ स्पेशलिस्ट बर्ड स्पीशीज के साथ ही हो रहा है। बट अगर इन जनरल ट्रेंड अगर बात करें, दैट इज जनरलिस्ट स्पीशीज की अगर बात करें, ये लेकिन इजी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं और हैबिटेट में आराम से सर्वाइव करना इनके लिए इजी होता है। नेक्स्ट, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स अगर देख लोगे, वैसे बर्ड्स जो कि यूरेशियन रीजन से, जो कि आर्कटिक रीजन से फ्लाई करके इधर से रीजन में आते हैं, उनमें लेकिन हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। बट वहीं रेसिडेंट स्पीशीज जो कि हमारे देश में, वो दे आर मोर और लेस मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देम, राइट। अच्छा वो क्यों हो रहा है बताइए? तो कॉमन सेंस लगाइए ना, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए आंसर क्या, मुझे पक्का श्योर है दैट आप ये तो समझ जाओगे दैट क्लाइमेट चेंज प्रोबेबली इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके कारण इस टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स बर्ड्स भी उसी रीजन में नजर आएंगे जहां पे उनको हैबिटेबिलिटी ज्यादा दिखेगी, है ना। बट अगर क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाइमेटिक पैटर्न दुनिया भर में चेंज हो रहा है, तो क्या वो उस रीजन में मूव करेंगे? नहीं ना। और डोंट वरी रिगार्डिंग द पीडीएफ, डोंट वरी, वी विल बी पिनिंग द पीडीएफ इन द नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट। आप वहां पर जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट, बर्ड विद डाइट्स फोकस ऑन वर्टिब्रेट्स, दे आर ऑन डिक्लाइन। बट वहीं पर अगर देख लोगे इनकी डिक्लाइनेशन क्यों हो रही है, इनके बेसिकली पोल्यूटेशन के कारण बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। रिपोर्ट कहीं ना कहीं इंफेसाइज कर रहा है ऑन द डिक्रीज ऑफ स्पीशीज जो कि इंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स का और श्रीलंकन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में, राइट। वहां पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। तो ये सब चीजें इस रिपोर्ट में दी गई है एंड यस दिस इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच वी शुड लर्न अबाउट। नेक्स्ट, सॉल्यूशन टू मिनिमाइज हीट वेव्स इन अर्बन एरियाज। हीट वेव्स, अगर सोचो कंसेक्यूटिव बहुत दिनों से अगर ही वहां का टेम्परेचर, अगर कोई भी रीजन का टेम्परेचर अगर कंटिन्यूसली बहुत दिनों से वहां के एवरेज एनुअल टेम्परेचर से अगर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा ना, मतलब दैट इज अ सिचुएशन ऑफ हीट वेव्स,
समझ लो। अब इस आर्टिकल में जो क्या छपा था डाउन टू अर्थ में, इस आर्टिकल में कुछ कुछ सॉल्यूशंस दिए गए थे दैट कैसे हम लोग हीट वेव्स जो कि अर्बन रीजन्स में हम लोग को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ये मेनली देखने को आप मिलता है, हम बोल सकते हैं ड्यू टू हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण भी, तो उससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते, राइट। और ये स्टडी किसके द्वारा किया गया था, बाई सीएसई दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा, राइट। नाउ इसमें कुछ कुछ फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस दिए गए थे, उसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बोला गया था दैट देखो मॉर्फोलॉजी का एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हीट वेव्स के ऊपर। मॉर्फोलॉजी बोले तो कोई भी रीजन में रहने का पैटर्न, फॉर एग्जांपल अगर एक शहर का और एक गांव का मॉर्फोलॉजी में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, तो एक शहर में आप देखोगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, है ना, वहां के जो रोड्स है बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड्स है, बट वहीं पर गांव में देखो एक मंजिला बिल्डिंग मुश्किल से है ना, और रोड्स भी पतले पतले ही रोड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स नीड शहरों में ज्यादा है एज कंपेयर टू गांव, राइट। सो अगर हम लोग बोले दैट यस ये जो मॉर्फोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हम लोग बोलेंगे, दैट एरियाज जहां पर अर्बन मॉर्फोलॉजीज जो है वहां पे, मतलब जहां पे अर्बन मॉर्फोलॉजी एग्जिस्ट करता है, मतलब अर्बन एरिया की अगर हम लोग बात करें, वहां पर लैंड सरफेस टेम्परेचर्स में लेकिन हमको इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलती है। जैसे सोचो एक पक्का रोड बना हुआ है और वहीं पर एक कच्चा रोड है, पक्का क्या कॉन्क्रीट का रोड होगा, तो कॉन्क्रीट वाला रोड ज्यादा गर्म होगा या कच्चा वाला रोड ज्यादा गर्म होगा, कॉमन सेंस लगाओ कॉन्क्रीट वाला, राइट। तो ये लैंड सरफेस टेम्परेचर जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट फैक्टर है जिसके कारण कोई भी अर्बन रीजन ज्यादा हीटअप या फिर कम हीटअप होता है, ठीक है, एक फैक्टर हो गया, है ना। दूसरा है ब्लू या फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो कहीं पर भी अगर ग्रीनरीज आपको देखने को मिलती है, जैसे ट्रीज ले लो, श्रब्स ले लो, ग्रासेस ले लो, वो कहीं ना कहीं उस रीजन के माइक्रो क्लाइमेट को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें दैट यस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस वेदर इट बी ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यस ग्रीनरीज जो है वो कहीं ना कहीं उस रीजन के माइक्रोक्लाइमेट को इनहांस करती है, एंड इफेक्टिव वेजिटेशन कवर जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देती है बहुत समय यू नो वहां पर लैंड सरफेस के टेम्परेचर को भी। अर्बन प्लांट्स, अब देखो यहां पर बोला गया दैट क्या होता है ना, दैट बहुत समय सिटीज को जो मतलब उनको जो बिल्डिंग के जो लॉज बनते हैं ना, मास्टर प्लान जो बनते हैं, उसके कारण भी एक बहुत हद तक इंपैक्ट कर रहा है। जैसे सिर्फ एग्जाम मतलब इसको हम एडिट करके मैं खुद से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सोचो एक अर्बन रीजन है, ठीक है, वहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग को अगर डार्क कलर से रंगा गया होगा, समझने की कोशिश करना, इस बिल्डिंग को अगर डार्क कलर से रंगा गया होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट सन रेज जो है इसमें इस बिल्डिंग में ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। अरे सोचो ना गर्मियों के दिनों में अगर आप ब्लैक टी शर्ट पहन के बाहर जा रहे हो या फिर व्हाइट टी शर्ट पहन के बाहर जा रहे हो, बताओ किसमें ज्यादा गर्मी लगेगी, ब्लैक टी शर्ट या व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट में, है ना, क्यों, क्योंकि ब्लैक जो कलर्स होते हैं ना या फिर डार्क कलर जो होते हैं वो यूजली ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनका एल्बिडो जो है वो कम होता है क्योंकि वो कम यू नो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है, बट वहीं पर व्हाइट कलर्स मैक्सिमम चीजें रिफ्लेक्ट कर देती है ना। तो यही चीज जो है यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है, दैट इज अगर हम लोग बात करें इंपैक्ट ऑन एनर्जी कंजम्पशन, सॉरी अर्बन प्लांट्स, तो अर्बन प्लांट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, दैट इज अर्बन प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तो लो जो लैंड सर्फेस टेम्परेचर है वो कम से कम हो, राइट, और ऑफकोर्स यू नो डिफरेंट अदर फैक्टर्स भी अगर शहरों में देख लीजिए, जैसे एनर्जी कंजम्पशन, राइट, कहा जा रहा है दैट 1% वन टेम्परेचर, एक डिग्री टेम्परेचर का अगर डिक्रीज हो, सोचो मतलब अर्बन आइलैंड इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, एक अर्बन रीजन में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है ना, अब अगर उस रीजन के हीट को अगर कम घटाया जा सके ना, दैट इज अगर बाय 1 degree उस रीजन के हीट को कम किया जा सके, पता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हद तक घटेगा, रफली बोला जाएगा 2% जो उस शहर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है 2% तक घट सकता है। नाउ आप बोलोगे इसका कैसे रिलेशन है, अरे भाई अगर ज्यादा गर्मी लगेगी तो ज्यादा फैन चलाओगे, एसी चलाओगे क्या, नहीं, बट अगर वहीं पर आपको ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है तो क्या आप एसी चलाओगे, नहीं, राइट। सो वही चीज तो यहां पर बोला गया है। नेक्स्ट इज स्ट्रीट ओरिएंटेशन। स्ट्रीट ओरिएंटेशन देखो ये सोचो एक शहर है, राइट, यहाँ पे सन है आपका, ठीक है, आप कोई एक स्ट्रीट ऐसा है और दूसरा वाला स्ट्रीट ऐसा है ना, तो जो ऐसा स्ट्रीट होगा ना ये ज्यादा गर्म होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है सन का इंटेंसिटी इक्वल पड़ रहा है, बट वहीं पर अगर ऐसा स्ट्रीट नॉर्थ साउथ इंक्लिनेशन में अगर स्ट्रीट होगा तो वहां पे शायद इफेक्टिवली यू नो वो रीजन ठंडा होने का प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो इसीलिए बेसिकली देखो ये बहुत माइन्यूट फैक्टर है, पहली बता देता हूं, राइट, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट क्योंकि रीजंस दिया गया तो यस दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस दैट यस इस टाइप के अगर मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर रोड्स बनाओगे तो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, राइट, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ये उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, बट यस
अगर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करने की बात की जाए तो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट रीजनल आर्ट के बारे में जो क्या प्रैक्टिस किया जाता है केरला में, और ये आर्ट का नाम है शीतकाली फोक आर्ट जिसको केरला में। नाउ ये जो आर्ट फॉर्म है ना, इसको फर्दर रिवाइव किया गया है यहाँ के वहां के ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट के द्वारा। सो ये क्या है ये आर्ट फॉर्म? देखो ये एक आर्ट ऐसा फॉर्म है जहां पर ट्रेडिशनल जो फोक डांस है वो किया जाता है, डांस के साथ साथ ड्रामा किया जाता है, और ये किया जाता है किस फेस्टिवल के द्वारा? दौरान ओनम फेस्टिवल के दौरान। तो यस, आज ओनम फेस्टिवल भी है तो उसकी भी शुभकामनाएं बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट्स को। एनीवेज नेक्स्ट प्रेजेंटेड, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? ये जो आर्ट किया जाता है ना, ये फोक डांस या फिर ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है बाय दलित आर्टिस्ट्स फ्रॉम द कम्युनिटीज, और वो कौन कौन से कम्युनिटीज है? वेदा कम्युनिटी एंड पुलाया कम्युनिटी। अच्छा, इसमें करते क्या है? इसमें बेसिकली सॉन्ग्स या फिर स्टोरी टेलिंग्स एंड एनर्जेटिक मूवमेंट्स होती हैं जो क्या वहां के फोक आर्टिस्ट करते हैं। और यस, ये कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करता है जर्नी From what? From वन यात्रा, that is exile, जब श्री राम जी को वन यात्रा में भेज दिया गया था, तब से लेकर that कैसे अंध धनम, right? That is कैसे descend into the earth हुआ उनका, सीता का basically, तो वो चीज का एक पूरा जो journey है ना, वो journey present किया जाता है by song, by storytelling and by different energetic fast movements के through, right? So, next, हम लोग आते हैं next, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज था जो कि द हिंदू में मुझे दिखा था, और मैंने सोचा दैट इसको इंक्लूड करें। क्यों इंक्लूड करें पता है? क्योंकि जब भी आप जीएस के आंसर्स लिखते हो ना, तो जीएस के आंसर्स में हम लोग को बेसिकली फोल्डर पॉइंट्स की जरूरत होती है, राइट? जैसे सोचो अगर आपके बारे में ऐसा क्वेश्चन आया दैट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स ली गई है, या फिर एक वे फॉरवर्ड पॉइंट लिखना आपके आ सकता है, तो उसके लिए ये न्यूज आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जिसमें राइट टू रिपेयर के बारे में बात की गई है। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल के मोबाइल फोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं जो क्या बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट दाम महंगे महंगे फोन्स आते हैं, राइट? सो उन्होंने इसको यू नो राइट टू रिपेयर का इनफैक्ट उन्होंने सपोर्ट किया। पहला एक ऐसा समय था जब कंपनीज जो राइट टू रिपेयर को अपोज करती थी। अब देखो राइट टू रिपेयर है क्या? फॉर एग्जाम्पल एक अपने पास मोबाइल है, राइट? अब आप एक नॉर्मल इंसान जो है वो एक मोबाइल को, जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, वो मोबाइल को कोशिश करेगा 4 से 5 साल मिनिमम तो चला है, अगर ज्यादा चल गया तो और भी बढ़िया। बट आप देखो, आपने जो मोबाइल है अभी आपके पास, अगर आपने 4-5 साल पुराना है, आप दुकान में जाकर पूछो तो वो वाला मोबाइल अभी बिक रहा है क्या नहीं? अगर आपका मोबाइल का कुछ पार्ट्स खराब हो गया तो क्या उसके पार्ट्स रिपेयर होंगे क्या नहीं पूछो तो? आप देखोगे वो मोबाइल सेट ही बंद हो गया होगा। This is fact, right? Now, अब ये क्या है? Right to repair क्या करता है? ये consumers को ये right देता है that by chance अगर आपकी mobile ऐसी conditions में या फिर कोई भी electronic gadgets है जो कि पुराना हो गया है, तो आपको फिर से खरीदना ना पड़े, rather आप उसको repair करवा सको। और किन से repair करवाओगे? Say for example आपका Samsung का phone है, तो आप Samsung के customer care को repair करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगा जी? करना पड़ेगा उनको, राइट? सो वही चीज है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर रिफर्स टू द गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन जो क्या इंटेंड करता है टू अलाउ कंज्यूमर। मैंने वही बोला ना, देखो वही अंग्रेजी में लिखा हुआ जो कि मैंने आपको स्टोरी समझाया, राइट? द एबिलिटी टू रिपेयर एंड मॉडिफाई देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना? वेयर एवर अदरवाइज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सच डिवाइसेस रिक्वायर द कंज्यूमर टू यूज ओनली द ऑफर्ड सर्विसेज। अभी क्या है, अभी बाई चांस अगर मोबाइल बंद हो गया तो वो सिर्फ बोलेगी नहीं सर ये मेरे पास तो सर्विसेज नहीं है, जो सर्विस अगर लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए, क्योंकि उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नुकसान तो आपका हो रहा है ना। तो ये चीज ऐसे है। प्रीवियसली अगर देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बेसिकली लॉन्च किया था एक पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग, ERSO, जिसके तहत एम था दैट कैसे इंडिया को बनाया जाए एक ग्लोबल रिपेयर कैपिटल। इनफैक्ट इस ERSO, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग के तहत, इस स्कीम के तहत इंडिया होप्स टू कैप्चर 20% ऑफ द ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट। Currently, जो क्या वैल्यू करता है रफली अराउंड $100 billion का, ठीक है? सो दिस इज अ मेजर न्यूज विच वॉज देयर न्यूज विच यू रिमेंबर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एम्बर। एम्बर स्टैंड फॉर वॉट? देखो प्रोजेक्ट एम्बर में एम्बर स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन।
किसके द्वारा लाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। किसके साथ पार्टनरशिप कर रही है? जनरेशन इंडिया फाउंडेशन GIF एंड Amazon वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और ये इंप्लीमेंट कर रही है ये प्रोजेक्ट एम्बर, जिसके तहत एम यही है दैट कैसे क्लाउड स्किलिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए अराउंड 1500 लर्नर्स को। सो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, राइट, एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, राइट। और ये प्रोजेक्ट को फाउंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अंडर संकल्प प्रोग्राम और प्राइवेट फिलंथ्रोपी, एंड इसके तहत रफली अराउंड 30,000 यूथ ट्रेन किए गए थे, 50% ऑफ whom विल बी वुमेन ट्रेनीज, ऐसा बोला जा रहा था इस स्कीम के अंदर, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूं चीजों को आपको समझ में आई होगी। सो या विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू, थैंक यू वेरी मच।